cool. These brothers my guys. Know that we fly. Know that. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो ये है आज का दूसरा ईद, और दूसरा ईद है तो अभी सुबह मतलब थोड़ा लेट उठे हम लोग, और सब अभी जैसे कि तैयारी हो रहा है, सब अपना अपना कपड़ा में लगा हुआ है, नाश्ता वास्ता देख लेते हैं जैसा होता। तो पहले सोचे आप सबको वेलकम कर दूँ। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के बगल में मैदान है, तो वहाँ हमेशा झुलवा उलवा लगता है, बच्चे लोग के लिए सारा बनता है, और ज़्यादा दूर नहीं है, मज़े का अच्छा से बगल ही में है। और यहाँ जो है दूसरे दिन का जो ये है, तो मुझे कहीं निकलने का फुर्सत नहीं था, तो रात शाम में हम लोग निकले, और मेरे बहन का लड़का लड़की सब आए हुए थे, और माशाल्लाह से ईद है भाई, सब सबके घर में जाता है। तो यहाँ पर छोटी वाली बाबू जो है आयत, तो इसे तो मिलाने का ज़रूरत नहीं, आप लोग तो जानते हैं इसे। तो यहाँ पर मैं इसके साथ खेल रही हूँ, और मेरे बहन की लड़की जो है वीडियो और फोटो कर रही है। तो हम लोग जाने वाले थे दिन ही में, तो हो गया शाम, क्योंकि मेरे भतीजा भतीजी और मेरे बहन का लड़का लड़की सब आ गए थे। तो भतीजा भतीजी को उसके पापा फिर आ गए शाम में, कि बोले मतलब मेरे भाई कि हम लोग को देर हो रहा, घर जाएंगे, तो वो लोग को छोड़ हम लोग बहन लोग सब निकल गए। और निकलने के बाद तो हम लोग यहाँ हावड़ा, हमारे हावड़ा मैदान के पास में रेलवे म्यूज़ियम है, जो कि मैं इतने साल से हूँ यहाँ, जानती नहीं हूँ यहाँ पर ये जगह को, जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं निकलती हूँ, बात सही है, जब भी जाती हूँ किसी के ना किसी के साथ जाती। तो यहाँ मेरे बहन का लड़का है और लड़की मेरा बेटा है, तो मेरी बहन फ़ोटो शूट करवा रही है अंदर, किसी मेरे रेलवे म्यूज़ियम के अंदर, क्योंकि फालतू जाना था। और हम लोग जो थे 8 जन थे, और 30 रुपया करके टिकट था, और चले जाते अगर दिन रहता तो, पर रात हो गया था, मतलब 7:30 बज रहा था, कुछ देर बाद ही बंद होने वाला था, तो फ़ायदा नहीं था, पैसा इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं था। और यहाँ चले आए, उसी के बगल जो है अभी नया नया मतलब मेला लग रहा है, इस जगह में लगता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पूरे फैमिली यहाँ पर एंट्री किए मेले में, और मेले में हम आपको दिखाते कि कितना एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव चीज़ है, और सारा कुछ बढ़िया है। मैं आपको, चलिए मैं आपको आगे तक दिखाती हूँ। मेले में आए तो हम लोग तो ईद के लिए तो पहले कुछ ले ही लिए थे, और ऐसे भी कहीं चले जाते। देखिए मेरे बहन का लड़की है, और आयत को तो आप पहचानते हैं, उसे तो पहचान देने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है हर एक चीज़, जैसे कि मैंने चांद रात को तो वैसे ही बर्तन वर्तन जो ज़रूरत का सामान था ले चुकी थी मैं, और यहाँ पर मतलब हर एक का दाम बढ़ा हुआ। और ये लेदर का बैग था, मतलब चमड़े का, ओरिजिनल चमड़े का बैग था, तो ये मुझे ठीक लगा, और प्राइस भी बढ़िया था। तो फिर भी हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ लिए, छोटा मोटा चीज़ जैसे कि ये लोग को पसंद था, मैं थोड़ा अचार चटनी ये सब तो देख के ही मतलब जी ललच जाता, तो मैंने अचार चटनी थोड़े से घर के लिए लिए, और टॉफ़ी वगैरह था, बच्चे लोग ने अपने अपने जो जो जिसके पसंद था वो सब लिए वो लोग ने। और मेरे लड़का को झुलवा झुलना था, मेरे बहन का लड़का बदमाश था, अभी पता नहीं क्यों इतना सीधा हो गया है, और अब ज़्यादा नहीं शायद बड़ा हो रहा है इसलिए, तो वो झुलवा हुआ झुलने नहीं मांगा, और वो नहीं मांगा तो फिर किसी ने नहीं झुलने का जिद किया। और वैसे भी झुलवा देख के तो मेरा मतलब जी हो रहा था, ऐसा स्पीड वाला झुलवा मुझसे तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बहुत बहुत चीज़ थी, और अच्छा लगा हम लोगों को घूर के। और बाहर जाओ तो आप जितने भी कुछ किनो या ना किनो, पैसा तो खर्च होता ही है, फिर भी हम लोग पैसा भी खर्च हुआ और बच्चे लोग भी खुश हो गए। तो यहाँ पर हर चीज़ का दाम डबल था, वैसे मुझे केक टिंग पसंद आया था, तो मैंने उसका डबल दाम था यहाँ पर, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगा बड़ा बाज़ार, और या तो एसी मार्केट से ले लूँगी, इससे कम प्राइस में मिल जाएगा,
जब मुझे कम प्राइस में बगल में मिल जाएगा तो मुझे यहाँ से क्यों लेना है। तो यहाँ पर रॉन्डन डॉन्डिन में आने से वीडियो शूट फोटो शूट अच्छा से हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आप बुड्ढे के बाल बोलो, हम लोग हवा मिठाई बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन की लड़की के लिए मेरी रुखसाना ने लिया। और ये जो पार्क है आप अंदीना आओ, अंदीना फ़ोटो वगैरह खिंचाओ, अच्छी अच्छा जगह है। पर यहाँ पर जो मेला लग गया ना तो मतलब उतना ख़ास नहीं लगा मुझे। अब बच्चे लोग का भाई फेस्टिवल है, बच्चे लोग ही के लिए सब कुछ है और हम लोगों ने कपड़ा भी नहीं। तो चलिए जैसे तैसे करके बच्चे लोग का दिल रखा गया। और हम लोग ने क्यों मतलब इतना बदलने का नहीं किया झमेला, जो भी है ऐसे भी कादा किचित थोड़ा थोड़ा हमें रुक रुक के बारिश बारिश हो रहा था। चलिए आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।